वाह 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 कलम वाली भाई वाह, अखबार के दम पर गरीबों के झोपड़े बचाने निकले हैं, वाह वाह। लेकिन वो जमाना गया जब अखबार को लोग तोप समझते थे, अब तो धंधा बन गया अखबार। पैसा कमाने के लिए कुछ भी उल्टी सीधी हेडलाइन छापते हैं ये लोग। बाला साहब की चेतावनी, अडवाणी अज्ञातवास में, इमाम की गिरफ्तारी, मजाक होगा ये तुम्हारा अखबार। और एक बात जानती हो, तुम्हारे अखबार पर सुबह बच्चे हंसते हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है, अखबार में बहुत ताकत है, तक पलट देता है अखबार। सहमे हुए लोगों में ज्वाला भड़काकर क्रांति लाता है ये अखबार। अरे 47 से कौन सा तख्त पलटा? जो लोग गीता रामायण कुरान पढ़कर नहीं जागे वो तुम्हारा अखबार पढ़कर कौन सी क्रांति लाएंगे? सोने दो इनको, बरसों से सोने की आदत पड़ी है उनको, सोने दो सोने दो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है तो सामने आ, उन बेबसों का हाथ थाम, जगा उन्हें। अरे जगाया तो जिंदा लोगों को जाता है, मुर्दों को नहीं। यहाँ है कौन जिंदा? ना इश्क में हो जनरेशन गैप, हम मिल के करेंगे आज। नेहा बहन, मेरे पति को फैक्ट्री जाना है, मुझे जल्दी पानी भरने दो। अच्छा भर लो। बहन, तुम्हारे यहाँ तो किसी को काम पे नहीं जाना है, हमारे घर सब कामकाजी हैं। मुझे पानी भरने दो ना। ठीक है। अरे ओ उजड़े जमान, अच्छाई उतनी करो जितनी अच्छी लगे, ज्यादा अच्छाई में प्यासे रह जाओगे। अरे वो कल्याण जी भाई सूचे आ गोला बजाओ छो। अरे एक बीड़ी तो पी उड़ाते जाओ। अरे मेरे पास एक बीड़ी है यार, वो भी बाजू वाला हुसैन भाई से मांग के लिए है, इतने बचाए दे। अरे वही दे देना। अरे ये तेरे को दे दूंगा तो मेरे को उधर वादे हो जाएंगे ना, समझ तो क्या। बस समझी गए समझी गए, भिखारी कहीं का बीड़ी भी मांग के पीता है, एक बंडल नहीं खरीद सकता। अरे अरे बाजू बाजू मेरे को बहुत जोर की लगी है। अरे मेरा डिब्बा लेके चला गया, अरे मेरा काम खराब हो जाएगा। माँ मुझे भूख लगी है, चलना माँ। अभी चलती हूँ, पानी भर लो। गुड मॉर्निंग कलम अली भाई। स्टूपिड, खाना बकना। कैसी होने आ बहन? ठीक हूँ, पहले आप ले लीजिए। ये भी गया। देखा, आज भी तुझे पानी नहीं मिला। तू वक्त से पहले आ जाती है फिर भी, और मैं बाद में आती हूँ फिर भी। देखा उजड़े जवान, इसीलिए तो कहता हूँ वक्त के साथ चलो, वक्त के आगे चलने वाले भी पैसे, पीछे चलने वाले भी पैसे। अपना देख कैसा टाइम पे है साहब। माँ चलना माँ, भूख लगी है, खाना देना। चलते हैं। देखा देखा उजड़े जवान, हमारे देश का भविष्य भूखा भी और नंगा भी। यहाँ सुबह लोग उठकर खाने को रोटी मांगते हैं, पढ़ने को अखबार नहीं। तू इतना समझदार है, अरे जो बातें तू मुझे सुनाता है वो जाकर लोगों को क्यों नहीं समझाता? मैं समझदार हूँ, ये अखबार में भी आ गया क्या? अरे जो मुंह में आता है वो बक देता हूँ। अरे मगर प्रताप, तू जो भी बकता है ना उसमें सच्चाई होती है, अरे कहीं ना कहीं छुपी हुई आग होती है। हंसता क्या है? अगर यही बातें तू लोगों को जाकर समझाएगा तो मुझे अखबार में लिखने की जरूरत क्या है? तू कहता है ना कि गरीब अखबार नहीं पढ़ते, मगर तेरी आवाज तो सुन सकते हैं। सुन लो आवाज, अब रामवाणी शुरू होगी। खुदिया कमीनिया हरामजादी, पानी भरने गई थी आंख में धक्का करने। हाँ बोल, आखिर तुझे पानी क्यों नहीं मिलता? सबको पानी मिलता है, तुझे नहीं मिलता, चल हट। अब बर्तन कैसे धोएगी, कपड़े कैसे? बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को, वरना बुआ उसे मार डालेगी। देख छोटू, आदमी एक बार किसी की मदद का मोहताज बन जाता है ना, जिंदगी भर इसी तरह गिड़गिड़ाता रहता है। तेरी माँ खुद बचा ले। मैं तो इतना छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ मतलब, रास्ते पर बिजली के बल्ब तोड़े हैं कि नहीं? हाँ तोड़े हैं। तो फिर सोचता क्या है, माँ से एक पत्थर उठा और उस चुड़ैल के सर को बिजली का बल्ब समझ कर तोड़ दे, हमेशा के लिए झंझट खत्म, चल भाग। मेरे भाई को तो खा रहे हो, मेरे सीने पे बैठी है। किसने मारा? क्या हुआ दीदी? मुझे किसने मारा?
तो रक्षा करना जानता है और सजा दिलवाना भी जानता है। न्याय क्या है ये तो अच्छी तरह जानता है, तो फिर हर बात को तो हंसी में क्यों डाल देता है? अरे खुद भी जाग और लोगों को भी जगा। अरे फिर ये जागने जगाने की बात, अरे कलम वाली भाई मैं तेरे पाँव छूता हूँ, मेरे को उसल पाव खाने दे। मुझे गांधी नहीं बनना, मुझे सुभाष चंद्र बोस नहीं बनना, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने दे, क्यों मेरे पीछे पड़ी है? समाज सुधारक बनाने चलिए मुझे। पागल हो गया क्या? नाश्ता नहीं करने देती यार। कौन था यार ये? इसको देखते लोग खामोश क्यों हो गए? तू जानता नहीं इसे? नहीं। ये चतुर सिंह चीता था। अच्छा, जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह। हाँ? उसकी गाड़ी का नंबर देखा? नहीं। AIK No. 1। मतलब? मतलब ऑल इंडिया किंग नंबर वन। अच्छा, जहाँ जहाँ जाता है खामोशी छा जाती है। लकी नंबर अबे क्यों रोक दिया चक्कर हराम जाते? मेरा नंबर लग रहा था। अरे चुप्पे। क्या? कौन था ये हराम का? चतुर सिंह जी वो नया आदमी था, आज ही क्लब में आया था, इसलिए आपकी हुकूमत और कानून के बारे में बिल्कुल नहीं जान पाया। दयाल, यहां आने वाले हर एक आदमी को यह पता होना चाहिए कि चतुर सिंह चिता के कानों को ऊंची आवाज बिल्कुल पसंद नहीं। जी। मगर चंद्रसेन, तुम्हें यकीन है कि चतुर सिंह हमारे मामले को हल कर देगा? अरे हाल का क्या, अरे हाल का क्या बात करता है योगराज, जरा सोचने का बात है। बैठो। अरे आजकल हम जैसा नेता भगवान का कम, चतुर सिंह का चौखट ज्यादा चुमता है। अरे हमारा गॉडफादर है चंद्र सिंह। 16 आने सच कह रहा है योगराज, चतुर सिंह की हां ना में हमारी मिनिस्ट्री उलट पलट जाती है। देशमुख, और किसको उल्टाना पलटाना है? अरे नमस्कार दादा। नमस्कार, बैठो बैठो। क्या बात है भाई, आज सुबह सुबह दोनों पार्टी के नेता हमारे घर में? देश के हालचाल तो ठीक है ना? अरे दादा, देश का हालचाल कैसा भी हो, हम लोगों का हालचाल एकदम ठीक है, गिरे है। और दादा इनसे मिलिए, ये हमारा शहर का जाना माना फेमस बिल्डर योगराज बाबू, खूब भालो मानोश। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, नेता और बिल्डर साथ में, यानी कि मामला गड़बड़ है। ज्यादा ज्यादा गड़बड़ नहीं है चतुर जी, बस वही कांडवा गांव के आदिवासी बस्ती की समस्या है। वहां के आदिवासियों की जागृति ने केंद्र को झका दिया है, इसलिए मुझे वहां पुलिस फोर्स भेजने का ऑर्डर मिला है। और दादा दूसरी ओर योगराज जी का होटल हनीमून का कार्यक्रम एकदम फिट हो गया है, और ये करोड़ों का नहीं अरबों रुपये का मामला है। इस बार भी हर बार की तरह आपका बराबर बराबर का हिस्सा है। अरे भाई, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पुलिस वालों को तुम लोग हटाओ, आदिवासियों को मैं हटाऊंगा। अरे दादा, अरे पुलिस वहां से हटेगा कैसे, उसको तो देशमुख बाबू ने ही भेजा है। लेकिन मैं भी क्या कर सकता था, है? मेरे पास ऊपर से ऑर्डर आया था, क्या कर सकता था मैं? पुलिस को कहीं भी भेजना तुम जैसे नेताओं का काम, और उनको वहां से हटाना हम जैसे चतुरों का काम। ये 500 रुपए हड़पे हैं, वो भी चले गए तो पेट्रोल के भी वांदे हो जाएंगे। रात को कौन पेट्रोल देखता यार? अरे तेरे को भी धनिया की आदत है मालूम नहीं, छोटा मगज। हां मालूम है। चल ये उजड़े चमन, अंधेरे में चश्मा पहनकर लोगों को उल्लू बना रहा है, आंखें तो ठीक है ना तेरी? मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, ये देखो। लगता है तुम्हारी आंखों में कुछ खराबी है। क्या बकवास करते हो, कौन हो तुम? अरे क्या बात कर रहे हो, आप इन्हें नहीं जानते? ये शहर के मशहूर आई सर्जन डॉक्टर झुंझुनवाला है। डॉक्टर झुंझुनवाला? डॉक्टर साहब मुझे माफ कीजिए, प्लीज बताइए ना मेरी आंखों में क्या खराबी है। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। अतुल, लगा दे 500 की हरियाली। तो ये मेरे 500 रुपए 31 नंबर पे। 31, 31, 3 के ऊपर 1, घुमा दे चक्कर। Thank you.
ये आपके 5,000। उजड़े चमन, 5,000 के कितने होते हैं? 50,000। अतुल तो घुमा दो चक्कर 5,000 का 33 नंबर पर। मिला जाएगा मिल गए 50,000 तू गाना गाएगा।